Hello everyone, welcome to my channel ComScholar. In this lecture video we are going to cover another topic, that is algebraic equation. Algebraic equation that is related to redemption of preference shares. देखिए जब हम बुक में से प्रैक्टिस करते हैं तब तो वहाँ पर ऊपर हेडिंग लिखा जाता है कि क्वेश्चन जो नॉर्मल है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ रही होती है जब एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में तो वहाँ पर सिर्फ लिखा नहीं, कुछ लिखा नहीं था कि आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज़ करना है या नहीं करना. तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ही होता है कि सर हमें ये नहीं समझा था कि हाउ टू यूज़ एंड हाउ डू वी नो कि वेन टू यूज़ एल्जेब्रिक इक्वेशन. तो उसको मैं सारा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरा समझाऊंगा. तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो अच्छे से देखना. देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशन में देखिए पहले आपको देखना है आइडेंटिटी, दैट मीन्स उसको पहचाने कैसे. इसकी मेनली जो है तीन कंडीशन होती है. फर्स्ट वन इज व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम. ये होगी फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन होती है द फ्रेश इशू इज टू बी मेड एट प्रीमियम. थर्ड, when sufficient number of fresh issue is unknown. ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू गो फॉर एल्जेब्रिक इक्वेशन. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद भी आपको एक स्टेप और देखना होता है, दैट इज टू चेक वेदर देयर इज सफिशिएंट amount of profits and reserves available for paying to pay all to redeem preferential capital. And then to check whether sufficient amount of securities premium is available to set off premium on redemption. ये सारे कंडीशन पर होनी चाहिए. देखो ये तो आपकी सारी बेसिक कंडीशन है. अगर ये बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी देन वी नीड टू गो फॉर दिस एडिशनल कंडीशन, राइट. तो पहले जो कंडीशन दैट इज प्रेफरेंसेस आर टू बी रिडीम एट प्रीमियम, देन फ्रेश इशू आर आल्सो मेड एट प्रीमियम, देन व्हेन वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्रेश इशू इज अननोन. ये अननोन सी, यानी कि पता ही नहीं कि कितने फ्रेश इशू बने. उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि वेदर वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व अवेलेबल टू रिडीम प्रेफरेंसेस कैपिटल और नॉट, एंड देन वी नीड टू चेक वेदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ
सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अवेलेबल टू सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडक्शन मोड, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और ये फुलफिल हो गई, तब जाके आप जो है लेवरेज के क्वेश्चन पे आओगे। आई रिपीट, बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप जो है लेवरेज के क्वेश्चन पे आओगे। ऑलराइट, अब आइए इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, आपको बहुत ध्यान समझना है कि हर बार ऐसा नहीं है कि आपको बस आपने देखा कि प्राइस इशू प्रीमियम हो रहा है और प्रीमियम और रिडेम्पशन भी हो रहा है, तो आँख बंद करके अपने एल लेवरेज के क्वेश्चन लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे करना होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ कंपनी वॉन्ट्स टू रिडीम 10,006% प्रिफरेंशियल्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप एट 10% प्रीमियम। द लेजर अकाउंट शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस: सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,000, सरप्लस अकाउंट 10,000। द डायरेक्टर रिडीम द शेयर्स बाय मेकिंग मिनिमम प्राइस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ध्यान से देखिए, अब तक हम क्या करते थे क्वेश्चन नंबर 1 में, अब तक हम क्या करते थे? देखिए, हमें प्रीमियम कितना रिडीम करना है, दैट इज 10,000। अब हम तो उसको फुली पेड कन्वर्ट करना होगा पहले, तो कितना जाएगा, ₹1,00,000 और 10,000 का प्रीमियम, तो ये 1,00,000 हो गया आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड 10,000 होगा आपका प्रीमियम। अब तक हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, इसमें से इस अमाउंट में पहले हम रिजर्व मैनेज करते थे। सरप्लस कितना अमाउंट अवेलेबल आपको 10,000 का, चलिए 10,000 हमने लेस कर दिया, राइट। बचे कितना, 90,000। प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है 2,000 अवेलेबल है, 2,000 हमने यहाँ सेटअप कर दिया। बाकी अमाउंट कहाँ से लाएँ सर, हम इसमें से फ्रेश इशू कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रेश इशू करिए। फ्रेश इशू किस पर हो रहा है, यहाँ देखिए फ्रेश इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम, दैट इज 5%। तो देखिए, अगर आपको 90,000 का 5% में निकालोगे तो आपके हाथ में प्रीमियम कितना है, दैट इज 4,500। वो आप यहाँ सेटअप कर दोगे बिकॉज प्रीमियम अमाउंट बढ़ेगा आपका, और कहीं से तो प्रीमियम आएगा नहीं आपका, तो आपके पास लेफ्ट ओवर अमाउंट अभी कितना बचा है, 5,500। यानी कि इतना अमाउंट अभी भी आपको सेटअप करना है जो आप नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने हो सकता है शायद इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू नहीं करे, जिससे आपका जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो सेटअप नहीं पा रहा। तो अब हमें देखिए पता लगा कि अब हमें जो है एलिब्रेट इक्विटी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो आपको इसी तरह चेक करना है आपको। अब देखिए, एलिब्रेट इक्विटी कैसे लगानी है, आपको लेफ्ट साइड लिखना है कि आपको कितना अमाउंट जो है पे करना है प्रेफरेंशियल होल्डर को, कितना करना है, 1,00,000 प्लस 10,000 फॉर प्रीमियम इक्वल्स टू। अब देखो कि आपके पास कौन कौन से फंड अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, 2,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपके पास, 2,000 का आपके पास सरप्लस भी अमाउंट गिवन है, राइट, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो 2,000 प्लस 10,000 प्लस, अब और क्या कर रहे हैं सर, मतलब फ्रेश इशू भी कर रहे हैं, वो भी तो वहीं से पैसा आएगा, तो वो भी इसको करेंगे। अब फ्रेश इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एन नंबर ऑफ शेयर्स, बट किस पे कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे, तो क्या जाएगा ये 5N/100। राइट, मैं सबको हम ऐड कर देंगे, हम 1,10,000 लेस 12,000 इक्वल्स टू 105N/100, कितना होगा 98,000 इक्वल्स टू 105N/100। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज रुपीज में क्या, दैट इज 93,333। और शेयर्स आपको 10 के मल्टीपल्स में चाहिए। अच्छा, यहाँ पर गिवन नहीं कि शेयर्स की फेस वैल्यू कितने हैं, कुछ गिवन नहीं है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आई गेस गिवन नहीं है, कुछ नहीं गिवन है, ₹10 गिवन है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये वैल्यू आई आपकी।
वैल्यू ऑफ शेयर्स। राइट, सो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर दैट विल बी इश्यूड एट प्रीमियम। अब देखिए आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, दैट इज 9334। वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 93,340 ये आपकी वैल्यू होगी। इस पर 5% आपके पास प्रीमियम आएगा। 5% कितना आएगा आपके पास इस पर, इसका 5% प्रीमियम हो जाएगा वो कितना होगा, दैट इज 4667। राइट, अब यहाँ देखिए एक बार, यहाँ से देखिए एक बार, 1 लाख था आपके पास कैपिटल, 10,000 था आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास 2,000 के पहले अवेलेबल था। राइट, और अब हम कितनी शेयर इशू करें, दैट इज 933, इसकी वैल्यू 93340। बैलेंस कितना रहेगा आपके पास, दैट इज 6660। इतने का अमाउंट आप क्या करोगे, CRR यूज करोगे। राइट, CRR कहाँ से यूज करोगे, CRR आप यूज करोगे सरप्लस अमाउंट से। कितना है सरप्लस अमाउंट आपके पास, 10,000 का, 10,000 का आपके पास सरप्लस अमाउंट है। आपने 6660 आपने यूज कर लिया किसके लिए, CRR के लिए। आपके पास कितना हो जाएगा, 3440, वो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो 3440, बिकॉज कुछ तो करना नहीं आपको। ठीक है, और प्रीमियम अमाउंट आ गया, दैट इज 4667। राइट, अब आप देखिए आपके पास सफिशियंट अमाउंट है, यहाँ देखिए आपके पास 10,000 से ऊपर अमाउंट हो गया सारा ही मिला के। सो दैट मीन्स आपके पास अब सफिशियंट अमाउंट है टू पे ऑफ ऑल दी सिक्योरिटीज प्रीमियम एज वेल एज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट 1,50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दैट इज 10%, प्रॉफिट्स गिवन इन बैलेंस शीट दैट इज 25,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए अब पहले कंडीशन क्या, देखिए प्रीमियम जो है रिडेम्पशन पे यूज हो रहा है। राइट, नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, लेकिन अब हमें पता ही नहीं कितने नंबर इशू करने, तो तीन कंडीशन फुल होगी। अब चेक करना है कि हमारे पास सारे बैलेंस अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए छोटा सा चार्ट बनाएंगे। हमें कितने नंबर से इशू करने हैं, 1.5 लाख के कैपिटल, इसमें प्रीमियम कितना है, सर प्रीमियम है 10%, दैट इज 15,000। पहले हम कैसे करते थे, 1.5 लाख में पहले हम क्या करते थे, हम सर करते थे कि हम प्रॉफिट माइनस करते थे, वेरी गुड, 25,000 माइनस कर दिया, आगे जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा क्या होगा आपके पास, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू हुआ नहीं हुआ, अब फ्रेश इशू हो रहा है तो इसके लिए आपके पास प्रीमियम कितना आ रहा है, 5%, इसका 5% आपको कितना आएगा, इसका 5% कितना आएगा, 6250 प्रीमियम अमाउंट। अब आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रीमियम रिडेम्पशन इसको सेटअप करना है, 6250 आपके पास यहाँ से ये आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास कितना अवेलेबल है, 5,000 का। राइट, सो दैट मीन्स अभी भी आपको इतना अमाउंट कम पड़ रहा है, ये आपने सारे पे ऑफ कर दिए लेकिन ये आपका राइट ऑफ नहीं हो पा रहा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिब्रेट की यूज करनी है। कैसे करोगे, 1.5 लाख प्लस 15,000 प्रीमियम इक्वल्स टू, पाँच हजार फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, 25,000 फॉर प्रॉफिट, प्लस 5N डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी 105 डिवाइडेड बाय 100, सो 165
-30,000 इक्वल्स टू 105 एन डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ से एन की वैल्यू रहेगी 1,28,572, ये वैल्यू है आपके पास, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर, फेस वैल्यू आपको गिवन नहीं है इस बार, पर लेट द फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स is rupees 10, so the number of shares that's it। अब आप चेक भी कर सकते हो आपके पास अमाउंट था कितना, ये कितना था 1.5 लाख का, फिर से आते हैं 15,000 यहाँ आ गया, राइट। अब पहले हम इसमें से नंबर ऑफ न्यू शेयर माइनस कर देंगे 128,572, ये वैल्यू पूरी पूरी माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 21,428, राइट। ये क्या यूज करोगे आप सी आर आर में, राइट। एंड प्रॉफिट कितना अवेलेबल है आपके पास 25,000 में, 25,000 में से आपने 21,428 तो आपने प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया, कितना बचा 3,572। अब वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए, राइट। प्लस इस पे जो आपका प्रीमियम आएगा, सॉरी प्रीमियम आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी अवेलेबल है आपके पास, दैट इज़ 5,000, ये भी अवेलेबल है आपके पास, राइट। और इस पे आपके पास प्रीमियम भी आएगा, दैट इज 128,572, इसका 5%, जो कि कितना आएगा आपके पास 6,428, राइट। अब देखो आगे आगे आपके पास सारा सेटअप हो गया, राइट, पूरे 15,000 आपका सेटअप हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है एलजेब्रा के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट। हम अभी तो क्वेश्चन बता रहे हैं, बैलेंस शीट आपको गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको गिवन है 5 लाख का, 10% प्रेफरेंस शेयर गिवन है आपको, प्रेफरेंस शेयर 80 होल्ड अप है 2 लाख का, अच्छा आपको नंबर प्रेफरेंस शेयर गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, ये 80 रुपीज़ पेड अप है तो क्या हुआ 2 लाख जोड़े बाई 80, ये कितना आ जाएगा आपके पास 25 लाख रुपया आ जाएगा, 2.5 लाख रुपया आ जाएगा 100% करने के। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000, सरप्लस ये बचा आपके पास, ऑलराइट। प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर इमीडिएट रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम दैट इज 10%, द डायरेक्टर्स desire that only minimum number of equity shares of 100 each at a premium of 5% be issued to provide for redemption of such preference shares as could not otherwise be redeemed. So section 50F को use भी कर रहे हैं। चलिए हम पहले हम अपनी basic condition चेक कर लेते हैं। Answer number 3। देखिए हमें 2.5 लाख करना है जब 100% इसको कर रहे हैं। इस पे प्रीमियम कितना है 5% और 10%, तो 25,000 हमें ये भी सेटअप करना है। 2.5 लाख को हम प्रीमियम 2.5 लाख जो है वो कहाँ से सेटअप करें, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, पहले हम सरप्राइज करेंगे दैट इज 23,250 रुपये, 23,250 रुपये रेस्ट अमाउंट हो कितना बताइए 2,26,750, ये क्या आपके पास, ये आपके पास आया फ्रेश इशू, ये आपने सीआर के लिए यूज कर लिया, राइट।
अब ये सेटअप करना है। इसके लिए प्रीमियम कितना बचा आपके पास? आपके पास है 5,000 रुपये का। 5,000 आपने यहाँ से लेस कर दिया, राइट। अब 5% आपका यहाँ से भी आएगा, इसका 5% आपके पास प्रीमियम भी तो आएगा आपके पास, वो कितना आएगा? 11,337। यानी कि इतना अमाउंट अभी भी आपके पास लेफ्ट ओवर है, राइट। तो दैट मींस अब हमें जो है एलजेब्रिक इक्वेशन यूज करनी है। कैसे करेंगे एलजेब्रिक इक्वेशन? 2,50,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 5,000 के पास प्रीमियम है, राइट। 23,250 आपके पास सिक्योर्ड सरप्लस अमाउंट है एंड प्रीमियम यूज कर रहे हैं हम फॉर इशू के लिए, दैट इज 5%। अगेन कितना लगेगा? 105 एंड डिवाइड बाय 100। सो आप गेन की वैल्यू दैट इज 2,35,000, नंबर ऑफ शेयर्स दिस मच। अब देखिए सारे मॉडल का सेटअप हो जाएगा, फिर से चेक करिए इसको। डायलॉग यहाँ लिखिए, 25,000 यहाँ लिखिए। पहले आप नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए, 2,35,000 यहाँ इशू कर दिए, बाकी कितना बचा आपके पास? 15,000। कहाँ से करेंगे वो? सी आर आर कहाँ से यूज़ करेंगे? सरप्लस अमाउंट कितना आपके पास? 23,250। 23,250 में से आपने 15,000 तो यूज़ कर लिया, बाकी कितना बचा? 8,250। अब वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, प्लस आपके पास प्रीमियम भी है, प्रीमियम के पास है 5,000 रुपये का, वो भी आ गया। प्लस इस पे जो आपके पास 5% जो आएगा, यानी कि 2,35 का 5% कितना आएगा? 11,750। अब देखिए पूरा सेटअप हो गया आपके पास। अब ये भी पेमेंट हो गई, ये भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया सारा, राइट। सो दिस इज द वे टू यूज द एलजेब्रिक इक्वेशन। नंबर क्वेश्चन नंबर 5 4। देखिए मैं यहाँ पर जब आपको अब आपको जो है यहाँ पर मैं एंट्री करना सिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको बस ये सीखना है कि एलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फुटबॉल हैज इक्विटी के शेयर कैपिटल डिवाइड इनटू 200 शेयर्स, 11% कमिटेड वेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज इतने के प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल, या आपका पी एंड एल है या आपका जनरल रिजर्व है। 8,000 के पास सिक्योरिटीज भी हुए हैं। द डेटर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट हुज बुक वैल्यू रिडेम्पशन। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द बोर्ड डिसाइडेड टू यूटिलाइज फॉर रिजर्व्स टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल। इट हैव डिसाइडेड टू इशू राइट इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा अब यहाँ पर बोनस इशू भी डिक्लेयर कर दिया 2:5 की रेशो में। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपकी डबल जो है यहाँ पर दिक्कत होगी। देखो एक तो आप जब फ्रेश इशू करते हो तो प्रीमियम पे करते हो, और जब साथ साथ बोनस भी इशू करना होता है तो बोनस भी, अगर मान लीजिए अगर फ्रेश इशू प्रीमियम पे है तो बोनस भी हमेशा आपको प्रीमियम पे इशू करना पड़ेगा। और आपको तो पता है बोनस का पैसा आता कहाँ से है? बोनस तो फ्री लेवल होता है शेयर होल्डर के लिए, तो वो तो कंपनी के कहते हैं प्रॉफिट से निकला था सारा सारा, तो
प्रीमियम भी निकलेगा, तो आपको इसका भी चेक ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका प्रीमियम अमाउंट आपके पास कहाँ से आएगा, क्या आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ इतना प्रॉफिट एंड लॉस इतना अवेलेबल है नहीं है आपके पास, राइट। तो देखिए पहले हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, कितना रिडीम करना चाह रहे हो, 1 लाख रिडीम कितने पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो 10,000 रुपया, राइट। और देखिए आपके पास सिक्योरिटीज़ के क्या अवेलेबल हैं, आपके पास एक तो इन्वेस्टमेंट बेची 40,000 की, 50,000 बेच दी यानी कि 10,000 का तो मुनाफा हो गया, तो पीएनएल कितना था आपके पास, पहले 50,000 का था, 60,000 रुपये हो गया आपके पास, 40,000 का तो ये हो गया, तो 1 लाख रुपये का तो ये उसके लिए मैं 40,000 के ऊपर जान ले जाऊँ, 60,000 का प्रीमियम सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हम तो फ्रैक्चर जो करेंगे, तो उसका मतलब हमने ये प्रीमियम कुछ मिस्टेक कर दी, हमने पहला स्टेप भी गलत कर दिया, क्योंकि देखिए हमारे अकॉर्डिंग फ्रैक्चर जो कितने हो गए, ज़ीरो होंगे। अब ज़ीरो होंगे तो यहाँ से प्रीमियम अमाउंट आपके पास कुछ आएगा ही नहीं, और प्रीमियम अमाउंट नहीं हो तो फिर ये भी सेटअप नहीं होगा, और बोनस डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट भी नहीं है क्योंकि हमने तो सारा सीआरआर ही मिस कर लिया, तो इसका मतलब हमारे पहली इक्वेशन ही गलत कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 1,10,000 इक्वल्स टू, देखिए इतना अमाउंट पे ऑफ करना है, इसके लिए कंपनी ने क्या लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज पढ़नी देखिए, अब आपको यहाँ पर रिजर्व पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर देखिए लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द शेयर्स ऑन दिस डे एट अ पेम दिस एंड इट वाज डिसाइडेड टू सेल सर्टेन इन्वेस्टमेंट हुज बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट, जो थी ये वैल्यू थी, यानी कंपनी के पास इतना पैसा आया और वो पैसा किस लिए यूज हो रहा है, दैट इज टू रिडीम द शेयर्स, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल्स टू 50,000 प्लस, यानी कंपनी बोल रही है कि डायरेक्टर ने जो डिसाइड करा है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को सेटअप करने के लिए कंपनी ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेटअप करी है और उसको बेच के जो 50,000 आया, बाकी सारे कंपनी क्या करेगी, अब फ्रेश इशू करेगी, और किस पे करेगी कंपनी, प्रीमियम, प्रीमियम पे। तो बस यहाँ पे कितना देगा, 120N/100, दैट्स इट, तो 60,000 यहाँ पर आपकी जो एन की वैल्यू जो कितनी की 50,000, ये वैल्यू ऑफ शेयर्स की वैल्यू है, राइट। दैट मीन्स 1 लाख आपके पास वो था, 50,000 का आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रेश इशू, बाकी 50,000 आपके पास क्या हो गया, CRR, ये क्या हो गया, फ्रेश इशू, राइट। भाई सब तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मिनट क्वेश्चन नंबर 5, इक्विटी शेयर्स हैं इतने हैं, लेकिन ये कॉल से नहीं रहे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व सरप्लस अकाउंट, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल दिस एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू यूटिलाइज द प्रॉफिट एट अ मिनिमम एक्शन पॉसिबल For the purpose, the company board of directors to sell the investment whose face value is this at ₹50,000 and to issue fresh security shares at a premium of 20% to finance the redemption. The investment was sold at a 5% loss. After redemption, the company decided to issue one bonus share of 2% each for every 5, that is 1:5 ratio. राइट, तो पहले हम अपना चेक कर लें कि कंपनी के पास सारी कुछ पैसा है भी या नहीं है। कंपनी के पास जो है प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख की है, प्रीमियम हो गया 10,000 रुपये का। मान लीजिए कंपनी ने जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों यूज़ कर लिया, 50,000 या 40,000, लेकिन कंपनी को कुछ लॉस भी हुआ था,
कंपनी को जो लॉस हुआ है, कंपनी ने इन्वेंट इन्वेस्टमेंट बेची है जिसकी वैल्यू कितनी है? अच्छा, कंपनी ने आधी इन्वेस्टमेंट बेची बस, यानी कि 40,000 की वैल्यू जो है कंपनी ने 5% का लॉस, यानी कि 38,000 में सेल करी, यानी कि 2,000 रुपये का लॉस हो गया कंपनी को। तो कंपनी के पास अब पेनल कितना बचा होगा? 40,000 में 2,000 निकालने के 38,000, अब 50,000 कंपनी यहाँ से निकालेगी, राइट? तो ये कितना हो गया कंपनी के पास? 12,000 हो गया। ये 12,000 क्या करेगी कंपनी? प्राइस इशू, और प्राइस इशू जो करेगी कंपनी तो वो प्रीमियम पे कर रही है। कितने प्रीमियम पे कर रही है कंपनी? 20% पे। तो दैट मीन्स कंपनी के पास पैसा आएगा 20%, कितना आएगा? दैट मीन्स 224 आएगा। तो 2400 कंपनी यहाँ यूज़ कर सकती है। प्रीमियम है कंपनी के पास, कंपनी के पास प्रीमियम अवेलेबल है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का है। दैट मीन्स कंपनी को अभी भी जो है 2600 रुपये लेके आने हैं। और अभी तो हमने एक बात भूल गए, बोनस इशू, उस पर भी तो आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। तो सब पर सब गया, बचा ही नहीं, तो ये भी अमाउंट ख़त्म हो गया। तो अब हमें इक्वेशन बनानी होगी, दैट मीन्स टू पे ऑफ दिस मच अमाउंट कंपनी सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ₹38,000 प्लस इशूइंग द फ्रेश इशू एट 5% प्रीमियम, सॉरी 20% प्रीमियम, 120N डिवाइड बाई N। तो N की वैल्यू कितना आएगी? 60,000, राइट? दैट मीन्स 1,00,000 में से कंपनी जो है 60,000 फ्रेश इशू कर रही है, बाकी 40,000 कंपनी का कर रही है CRR में लेके जा रही है। कंपनी के पास 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम था, कंपनी 40,000 जो है वो कहाँ से लेके आएगी? कंपनी के पास जनरल रिजर्व अवेलेबल है, कंपनी ये तो जनरल रिजर्व निकालेगी। जनरल रिजर्व कंपनी के पास कितना है? 50,000 का। तो 10,000 कंपनी यहाँ पे निकाल सकती है आराम से, खत्म, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अमाउंट सर कहाँ से आएगा? क्यों, इसको भी तो करना है, तो कंपनी वहाँ सेटअप करेगी, राइट? तो कंपनी के पास पेंडल भी अवेलेबल है और सारा अमाउंट पे ऑफ हो गया, राइट? नवमी टू क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है 5,00,000 रुपये लेके चलेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम सरप्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू सेल इन्वेस्टमेंट प्राइस ऑफ ₹80,000। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इशू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। सरप्लस अमाउंट ऑफ बोल रही कंपनी 1,00,000 रुपये बचा के रखना है। ऑलराइट, तो कंपनी 5,00,000 रुपये का कंपनी जो है रिडीम करना चाह रही है, 5,00,000 रुपये का, और उस पर 10% प्रीमियम है। 5,00,000 रुपये कंपनी कहाँ से लेके आएगी? कंपनी के पास सरप्लस है 3,00,000 का, लेकिन कंपनी बोल रही है सिर्फ 1,00,000 आपको छोड़ना है, यानी कि कंपनी सिर्फ 2,00,000 यूज़ कर सकती है, इससे ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकती। राइट, लेकिन कंपनी यहाँ पर जो है लॉस हुआ है, कंपनी ने बेचा है इन्वेस्टमेंट 80,000 की, इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 1,00,000 की, तो 20,000 का लॉस हो गया, यानी कि पेनल कितना बचा होगा कंपनी के पास? 2,00,000 में से 20,000 यहाँ लॉस हो गया, तो कंपनी के पास 1,80,000 पेनल यूज़ हो सकती है। तो बाकी कंपनी क्या करेगी? फ्रेश इशू करेगी। ये हो गया CRR, ये हो गया फ्रेश इशू, समझ
सरप्लस के लिए कंपनी के पास पैसा है, 30,000 तो कंपनी के पास है यहाँ पर, राइट। और कंपनी के पास यहाँ से भी तो पैसा आएगा प्रीमियम का। कंपनी कितने प्रीमियम पर निकाल रही है, 1 रुपये प्रीमियम, यानी कि 10% होगा, यानी कि 32,000 यहाँ से आएगा, तो 20,000 तो कंपनी यहाँ से निकालेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार कंपनी को एलजेब्रिक इक्वेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी के पास सारा पैसा आएगा। देखिए बेसिक कंडीशन थी कि भी प्रीमियम पे इशू हो रहा है, सॉरी प्रेफरेंस जो रिडीम पे प्रीमियम हो रहे हैं, फ्रेश इशू पे भी प्रीमियम हो रहे हैं, और हमें सफिशियंट नंबर ऑफ इक्वेशंस भी नहीं पता था। लेकिन जब हमने चेक करा तो कंपनी के पास तो सारा पैसा अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए सारा अमाउंट जो है सेटअप हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो दैट मीन्स नाउ देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एलजेब्रिक इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन से ट्रीट करना है, ऐसे ही करना है, राइट। सो दिस इज द ऑल अबाउट हाउ टू यूज द एलजेब्रिक इक्वेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।